इंदौर प्रशासन ने एक बार फिर शासकीय जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में रेवती रेंज में पट्टे की जमीन पर कॉलोनी काटने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। एक बार फिर से इंदौर के वार्ड 18 में रेवती रेंज इलाके में अवैध कॉलोनी के निर्माण का मामला सामने आया है। इलाके के जोन के अधिकारी ने भी कलेक्टर आशीष सिंह को शिकायत की है। इसके बाद जब प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो शिकायत सही पाई गई। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक यहां भूमाफिया के द्वारा पट्टे की जमीन पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल क्षेत्रीय SDM को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, निश्चित रूप से वहां पर दो तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक शिकायत पट्टे की जमीन पर अवैध कॉलोनी की थी। उस संदर्भ में पट्टे निरस्त करने हेतु SDM के द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई है और नगर निगम को उस आगामी कार्रवाई जो अवैध कॉलोनी वाली है वो करने हेतु कहा गया है। इसके साथ साथ वहां पर अन्य भी शिकायतें प्राप्त हुई कि पट्टे की जमीन के अलावा अन्य भी कुछ जमीनों पर कॉलोनी कट रही है, जिस संबंध में जाँच कराई जा रही है।